और अभी आपको बताएं कि भारत में मॉनसून बारिशों के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 100 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। भारत के कई इजला में मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी का सिलसिला शुरू हो गया और आसमानी बिजली के गिरने के वाकयात भी रोनुमा हुए, जिसके नतीजे में 107 अफराद हलाक हो चुके जबकि मुतादद अफराद के जख्मी होने की इतलात है। आसमानी बिजली गिरने से रियासत बिहार में 83 और उत्तर प्रदेश में 24 अफराद हलाक हुए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 83 अफराद अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। बिजली गिरने से सबसे ज्यादा 13 हलाकतें गोपालगंज के इलाके में हुई। भारतीय जिला सिवान में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद हलाक हुए। किशनगंज के थाने कोचाधामन के बलिया गांव में खेत में काम करने वाले दो भाइयों में से एक हलाक हो गया जबकि दूसरे भाई को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मोतिहारी के गांव बेलोतिया में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। बतिया के इलाके तड़कीनागंज के शिकारपुर थाने की हदूद में 2 मुख्तलिफ पंचायतों में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक हुए। रोहतास के करगेहरा नमढेरा में एक ही खानदान के 4 अफराद आसमानी बिजली से झुलस गए। अरिया के नरपतगंज ब्लॉक में फोलकाहा थाने की हदूद खोपड़िया में आसमानी बिजली गिरने से एक 30 साल शख्स हलाक हो गया। भारतीय जिला घगड़िया के चौथम थाने की हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर आसमानी बिजली गिरने से 5 बच्चे झुलस गए। उधर मैदानी नगर में एक खातून हलाक हुई। बलिया गांव में खेत में काम करने वाले मियां बीवी भी हलाक हो गए हैं।